महामारी ने जहां एक ओर पूरी देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अपनों को अपनों से जुदा कर दिया है। अपने परिवार के अच्छे भविष्य एवं लालन पालन के लिए अपनों से जुदा होकर मुंबई, सूरत, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में कोई अपने परिवार के साथ तो कोई अपने परिवार से दूर होकर रोजी रोटी के जुगाड़ में जाने वाले आज अपने ही परिवार से मिलने की चाह में दर दर भटक रहे हैं। कोई बसों व ट्रेनों के चक्कर लगा रहा है, तो कोई सरकारी दफ्तरों के, आखिर कोई तो उनकी पुकार सुन ले, उन्हें उनके अपनों से मिला दे। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर बने चेक पोस्ट बाघ नदी पर इन दिनों कुछ इसी तरह के हालात हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर सहित अन्य महानगरों व राज्यों से जैसे तैसे शासन की निःशुल्क बस सेवा के माध्यम से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बाघ नदी तक पहुंच रहे हैं। वह मजदूर व उनके परिवार अब छत्तीसगढ़ सरकार की ओर उम्मीदों से निहार रहा है कि अब वे अपनों से मिल पाएंगे। इन मजदूरों में छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों के अलावा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों के मजदूर भी शामिल हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने समाचार एक्सप्रेस की टीम बाघ नदी बॉर्डर पर पहुंची और प्रवासी मजदूरों से बातचीत की, तो पता चला कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें निःशुल्क बस सेवा के माध्यम से भोजन के पैकेट के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा में लाकर छोड़ दिया गया है। यहां पर भी उन्हें भोजन के पैकेट मिल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी निःशुल्क बस सेवा के माध्यम से डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन तक लाकर छोड़ा जा रहा है और यहां से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अन्य शहरों व राज्यों की सीमा तक छोड़ा जा रहा है, कोई पैदल तो कोई साइकिल में, चूंकि बसों की संख्या कम और मजदूरों की संख्या अधिक है, इसीलिए बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हर कोई जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता है, इसीलिए कोई ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहता। परिणाम स्वरूप बस में नंबर नहीं लगने पर कोई मजदूर पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े हैं। इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी मिले जो महाराष्ट्र भंडारा में काम करने गए थे, लेकिन कोरोना ने उन्हें अपनों की याद दिला दी, जिसके बाद उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया, किंतु कोई जवाब नहीं मिलने पर आखिरकार उन्होंने सायकाल यात्रा करनी ही उचित समझी और निकल पड़े भंडारा से उड़ीसा की लंबी यात्रा पर। कुछ परिवार ऐसे भी मिले जिसके साथ महिलाएं व छोटे बच्चे भी थे, लेकिन उनका बस में आज नंबर नहीं लगा, कल लगेगा, इसीलिए वे पैदल ही निकल पड़े, जिन्हें समाचार एक्सप्रेस के द्वारा समझाइश देकर वापस बाघ नदी चेक पोस्ट भेजा गया। डोंगरगढ़ से प्रणय अग्रवाल के साथ देवेंद्र गौरले की संयुक्त रिपोर्ट। के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पे सारे मजदूरों को रोक कर यहाँ से इन्हें अपने अपने गंतव्य में भेजने के लिए बसों के माध्यम से निःशुल्क बस सेवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ की गई है। उन्हीं बसों में सारे मजदूरों को बैठा कर उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो बसों से वंचित हैं, उन्हें बस का साधन नहीं मिल पा रहा, उन्हें पुलिस के द्वारा ट्रकों के माध्यम से रायपुर तक पहुँचाया जा रहा है और रायपुर से भी अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग बसों की सेवा प्रदान की जा रही है। कुछ यहाँ पर निःशुल्क भोजन भी प्रदान किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, उन्हें भोजन के पैकेट बना के दिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक खबर ये भी आई है कि डोंगरगढ़ में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है जो कि डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर है। उसके पॉजिटिव होने के बाद में बाघ नदी में भी सरगर्मी तेज हो गई है। बाघ नदी बॉर्डर को सील करने का प्रयास किया जा रहा है, तेजी की जा रही है। डोंगरगढ़ को भी पूरी तरीके से लॉकडाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखते हैं कि डोंगरगढ़ जो कोरोना पॉजिटिव मिला है वो ड्राइवर का चालक है, कितने लोगों के संपर्क में आया और उसको कितने लोग संक्रमित होते हैं, क्या डोंगरगढ़ अब सुरक्षित रहता है, ये देखने के बाद मैं देवेंद्र गौरले प्रणय अग्रवाल के साथ में संकल्प समझा इसके लिए चाहिए। खड़े हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र का बॉर्डर है जी, और हम लोग तो महाराष्ट्र वाले ने BST बस में लेके आके यहाँ छोड़ दिया है। बाद में अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे छत्तीसगढ़, ये प्रशासन इन लोग बोल रहे हैं कि रायपुर तक इन लोग यहाँ से व्यवस्थित करके भेज देंगे, वहाँ से स्टेट बाय स्टेट गाड़ी मिलेगी। अच्छा, और रायपुर तक किसमें भेजेंगे बोल रहे हैं? ऐसे ही परेशानी में है और क्या करेंगे हम, रायपुर सरकार तो कुछ व्यवस्थित कर ही नहीं रही है, हम लोग परेशान है एकदम। रायपुर तक कैसे जाएंगे बोल रहे हैं? रायपुर तक अभी ये पुलिस वाले लोग ने कोई साधन पकड़ के देगा तो उसमें से हम लोग चले जाएंगे। ट्रक बस कैसे भी कोई भी साधन पकड़ के देंगे बोल रहे हैं। रायपुर तक इन लोग बोल रहे हैं रायपुर तक चले जाओ, वहाँ से फिर स्टेट बाय स्टेट बस तुम लोग को मिल जाएगा। इस परेशानी में हम लोग इतना आदमी सब खड़े।
अच्छा, यहाँ आप आए तो यहाँ पे आपको भोजन की व्यवस्था मिली क्या? भोजन भोजन का व्यवस्था है, महाराष्ट्र तक तो अभी तक हम लोग को ज्यादा करके सब भोजन मिला है, कोई तकलीफ ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है, सबने हेल्प किया, पुलिस वाले ने भी हेल्प किया। महाराष्ट्र सरकार का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत व्यवस्थित अच्छा रखे हैं। उदय जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं खासतौर पर, जो उन्होंने व्यवस्थित सही रखे। मगर मैं ममता सरकार को बोलता हूँ, आप लोग का इसके जरिए से, चैनल के जरिए से, जो कुछ भी व्यवस्थित हम बंगाल के मजदूर के लिए कुछ भी व्यवस्थित नहीं की, कुछ भी व्यवस्थित नहीं की। कहाँ से हैं आप लोग? बिहार का साहब। कब आए आप? साहब हो गया 2 घंटे, अभी आज ही आए हैं। कहाँ से? बिहार के लिए कोई गाड़ी नहीं है। कहाँ से आप लोग? मुंबई से साहब आ रहे हैं। मुंबई से आए हैं आप लोग? बस में आए हैं। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं यहाँ? ट्रक पर निकलना है तो निकलो, नहीं तो कुछ ट्रक से जाओ, ट्रक से जाओ। और बस के लिए क्या बोले? बस के लिए क्या बोल रहे हैं? कहाँ जाने वाले आप लोग सब? कहाँ है, कौन सा स्टेट है? हावड़ा। कब से फंसे हुए आप लोग? बहुत दिन है इधर। कितने लोग हैं फिर? हम लोग तो ग्रुप बड़ा गए, बाईस दिन के लिए चला था एक बस में, अभी तो इधर 5 बस आया है, 6 जो 9 आते। कितने लोग, कितने दिन हो गए आपके यहाँ रुके? 7 आदमी हम लोग। कितने लोग, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? इधर आज ही आए हैं, मुंबई से आ गया है। अच्छा, मुंबई से कैसे आए हैं आप लोग? मुंबई से बस से आए। बस से आए हैं? गया। फ्री में आए कि पैसे दे के आए? फ्री में आए कि पैसे दे के आए? फ्री में आए हैं कि पैसे दे के आए बस वाले को? फ्री में आए। यहाँ व्यवस्था मिल रहा है? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.